भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने मुझे विक्टोरियस बनाया और अपने भवन में आने का फजल दिया ताकि मैं उसके नाम को धन्य कह सकूँ, आप लोगों के साथ उस रेजरेक्शन को मैं मना सकूँ और उस विक्ट्री को जो खुदावन की थी उसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसके हम भागीदार हो सके। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज शाम की मीटिंग के लिए, इस दिन के लिए, विक्टोरियस दिन के लिए। और मैं, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरा बेटा चिराग वो बीमार हो गया था। और ऐसा था कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हुआ क्या। इस साल की शुरुआत में हम लोग जब गए थे लखनऊ, तब मैंने वहाँ पे आशीष भाई से जिक्र किया था कि भाई मेरे को चिराग थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, तो आप कोई इसके लिए कोई टॉनिक या कोई चीज़ सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आप कुछ खून की इसके जांच करा लो। तो भाई ने दुआ करी सबसे पहले और कुछ ब्लड टेस्ट बताए। तो जब हमने वो ब्लड टेस्ट कराए तो उनमें पता चला कि हीमोग्लोबिन उसका बहुत कम था और उसका क्रिएटिनिन, जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड से, वो बहुत बड़ा हुआ था। तो जब ये रिपोर्ट आया तो संडे का दिन था और उस दिन, उस टाइम वो लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग मैं और मेरी वाइफ सबसे पहले हम लोग गए आशीष भाई के घर, क्योंकि खुदावन ने हमारे बीच में एक याजक रखा है। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि जो याजक दुआ करता है अपने लोगों के लिए, खुदावन उस प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। तो संडे का दिन था, मीटिंग ख़त्म हुई, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, उसके बाद आशीष भाई अपने घर में फैमिली ऑल्टर लगाते हैं शाम को, तो उस फैमिली ऑल्टर में हम लोग भी बैठे और भाई ने खुदा के सामने इन रिपोर्ट्स का रखा, जैसे राजा हेजिकाया ने रखा, और कहा कि खुदावन ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, इसका सलूशन आप ही हमें दें। और फिर आगे चिराग का और टेस्ट हुए, डायलिसिस हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 2-3 हफ्ते की बात है, डायलिसिस करा लो, उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मेरी वाइफ ने पहले अपने आप को ऑफर किया, उसकी जांच हुए, लेकिन एक पॉइंट पे आके मतलब स्टॉप हो गया, कि उन्होंने कहा कि आप नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने अपने आप को ऑफ़र किया, तो फिर मेरे भी जांच हुए, तो उसके बाद उन्होंने आके एक पॉइंट पे बोला कि आप दोनों नहीं दे पाओगे, उससे चिराग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक डेड एंड पे हम लोग आ चुके थे, और फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक परमानेंट फिस्टुला होता है वो करा लेंगे और डायलिसिस चलाते रहेंगे। लेकिन मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खुदावन ने ही निश्चल भाई और रेणु के दिल में ये उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई निश्चल मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है, ही इज़ माई ब्रदर इन ग्रेस। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, भाई ने, बहन ने विलिंगली अपने आप को ऑफर किया, और ये खुदावन ने उस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया। मैं देख पा रहा था कैसे हर चीज़ मैच होती गई, जितने जो भी डॉक्टर को पैरामीटर्स चाहिए थे वो रेणु के बिल्कुल मैच होते गए। खुदावन ने रेणु को अच्छी हेल्थ दी, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और फिर फाइनली वो दिन आया जब ऑपरेशन का दिन था, तो जिस दिन ऑपरेशन होना था उन्होंने कहा कि सबसे पहला ऑपरेशन चिराग का होगा। तो 4 बजे वो लोग आए, तैयारी वारी करने लग गए, और आशीष भाई ने मुझे दिन में फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा, मैं लगभग 1 बजे के आसपास आऊँगा। और लेकिन उन्होंने कहा कि आज जब मैं अपने ही मैसेज को पढ़ रहा था इब्रानियों की किताब में से, हिब्रूज 11:4, बाय फेथ एबल ऑफर्ड अ मोर एक्सेलेंट सैक्रिफाइस देन केन, है ना। और उन्होंने इंस्पिरेशन में प्रचार किया कि हाबिल ने जब अपनी कुर्बानी दी तो वह 3 बजे का टाइम था, और उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसे क्यों बोला 3 बजे, क्योंकि जो असली मेमना जो आने वाला था वो 3 बजे ही ज़बा हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह है वो उसका टाइप था, इज़न्ट इट। सो भाई ने इंस्पिरेशन में कहा कि इसका जो ऑपरेशन है ना 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो एनी हाउ, अगर वैसे अगर आप देखे जाए भाई, अगर 8 बजे जाएगा तो 3 बजे तक तो नहीं चलना चाहिए था। एनी हाउ, लेकिन हुआ क्या कि रेणु का जो ऑपरेशन पहले उसका होना था, उसका 11 बजे हुआ, और
उन वहाँ से सर्जिकल वार्ड से हमें फ़ोन आया कि भाई आपकी सिस्टर का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। हमने कहा ठीक है, तो 12 बजे चिराग का होगा, लेकिन हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली वहाँ से, वो सर्जरी डिपार्टमेंट से कोई न्यूज़ ही नहीं आई। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अब हम भी सोच रहे हैं कि पता नहीं अंदर हो क्या रहा है। एग्जैक्टली 3 o'clock, जैसे 3 बजे आशीष भाई अंदर एंटर हुए उस हॉस्पिटल में, हमसे 2 मिनट मिले और उन्होंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ सर्जिकल वार्ड में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बीइंग अ डॉक्टर वो जा सकते हैं। और वो जब गए अंदर, तो आपने गवाही सुनी होगी थर्सडे को, सबसे पहले जो पेशेंट बाहर आ रहा था वो चिराग ही था। और एग्जैक्टली 3 बजे के बाद, इवनिंग सेक्रीफाइस के बाद, वो ऑपरेशन हो गया। और भाई ने उसको बुलाया चिराग, तो उसने अपना हाथ खड़ा किया और उसने अपनी आंखें खोली, यानी वो अंदर चला गया। उसके बाद जब बाहर भाई आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन हो गया दोनों का और दोनों ठीक हैं, तो मुझे एक सपना याद आया कि आराधना जो मेरी छोटी बेटी है, उसने एक सपना देखा था कि हम लोग ब्रदर ब्रैनम के प्रेयर लाइन में गए हैं और वहाँ पर प्रेयर लाइन में खड़े हैं, तो भाई ब्रैनम ने चिराग के लिए दुआ करी। और जब भाई ब्रैनम ने दुआ करी, तो चिराग का एक यहाँ नेक लाइन लगा रहता है डायलिसिस के लिए, तो जैसे वो दुआ ख़त्म हुई, वो नेक लाइन ज़मीन पे गिर गया और उसकी जो कमर बिल्कुल पतली थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं ज़ोर ज़ोर से प्रभु का धन्यवाद दे रहा था उस सपने में। और जब चिराग ने अपनी आँख खोली भाई ब्रैनम को थैंक यू करने के लिए, तो वहाँ भाई ब्रैनम नहीं थे, वहाँ ब्रदर आशीष लाल थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, वही याजक सबसे पहले था चिराग से मिलने वाला, और वो गुड न्यूज़ लेकर के हमारे पास आए कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे प्रभु बहुत फेथफुल हैं, वो कभी भी किसी भी एक टूटे हुए दिल को हकीर नहीं जानते, और जब आप डेस्परेशन में उसको पकारते हैं वो ज़रूर आपकी सुनते हैं। ही इज़ द हाई प्रीस्ट टू कैन बी टच्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ आवर इन्फर्मिटीज। इसलिए मैं आई वॉन्ट टू प्रेज गॉड एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट। ऑल ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज बी टू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन ने ही एक स्पिरिट ऑफ प्रेयर लोगों में डाला, मेरे परिवार जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बड़ी दिलगीर होकर के चिराग के लिए प्रार्थनाएं करी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ इंडिया में, जाने कहाँ कहाँ उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी लोगों ने प्रार्थनाएं करी। खुदावन सब भाई बहनों को बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदावन आप सबकी लड़ाइयों को लड़ें, आपके एनिमीज़ को क्रश करें, आपके मुकदमों को ख़त्म करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया।